क्योंकि एम्प्लॉइज की मदद से आपका इदारा जो है वो चल रहा है
एम्प्लॉयज को ऑनरशिप भी देते हैं, बहुत ऐसे अदारे हैं वो जो एम्प्लॉयज को ऑनरशिप की हैसियत से उसको पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बना देते हैं। वो किस तरह बनाते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जब भी इन्वायरमेंट में ऐसा हो कि एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो, अच्छे एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो, मतलब एक कॉम्पिटेंट बनता है, एक कॉम्पिटेंट बनता है उसके लिए ये भी ऑफर कर रहा है, वो भी ऑफर कर रहा है, वो भी ऑफर कर रहा है, सब उनके लिए ऑफर कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा से पैसे उसे ऑफर कर ले, तो जाहिर बात है जिसको जो लोग उसे ऑफर करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफर करेंगे तो वो चला जाएगा। तो एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए उसको कुछ ऑफर किया जाता है, वही ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ ऑफर किया जाता है, कुछ ऑनरशिप उसे दिया जाता है, कुछ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑनरशिप दिया जाता है ताकि वो किसी और जगह स्विच ना कर ले। सही है। तीसरा जो है, चौथा जो लास्ट वन है वो है फिजिकल वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट जो हमारे पास बिल्डिंग्स है, सही, बिल्डिंग किस तरह शिफ्ट होता है, हर इदारे का अपना ही एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। जब अगर आप इंस्टीट्यूट जितने भी यूनिवर्सिटी चले जाओ विजिट कर लो तो हर इदारा का अपना ही एक तरीकाकार होता है, अपना ही एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। अगर आप एनसीएस आ जाए तो यहाँ पर उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कुछ अलग शेप का है, अगर आप अकरा चले जाए तो उसका अलग होगा, आप सिकॉस चले जाए उसका अलग होगा, ब्रेंस चले जाए उसका अलग होगा, हर इदारे का अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर इदारे का अपना ही एक फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट होता है, ताकि तो उस फिजिकल इन्वायरमेंट में वो पता चल जाता है कि किस बंदे के लिए कौन कौन सा बंदा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो हायरार्की के लेवल्स होते हैं कि कौन बंदा, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने लास्ट टाइम कहा था जो मेडल मैनेजर है वो टॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बॉटम वाले हैं वो मेडल के रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनके अंदर और चीजें भी होते हैं, ऐसा नहीं यार कि सिर्फ यही होती, उसका फिर बड़ा इदारा बनता है। देखो मिसाल के तौर पर फिजिकल इन्वायरमेंट इस तरह भी होता है, मिसाल के तौर पर एक आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां वर्कर्स होते हैं ना, उसके लिए अटैच रूम होता है किसका, सुपरवाइजर का। मगर अगर सुपरवाइजर यहां से दूर हो, किसी और जगह पर हो और वर्कर्स यहां पे हो, क्या ये सही तरीके से मॉनिटरिंग कर सकेगा? तो जहां पर क्लासेस होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटर का दफ्तर होता है, ऑफिस होता है। इसी तरह ये सारी चीजें जो है वो क्या हुआ है, एक फ्रेमवर्क, एक फिजिकल एनवायरनमेंट की वो शक्ल दिया हुआ है, कौन सा रूम कहां होना चाहिए, किसके करीब होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव। ये बहुत इफेक्टिव है कि यहां पर अगर आपका जितना भी जो लोग जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, इदारे के रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वो कितना करीब है अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ। देखो बात आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह भी आपने देखा होगा कि सारे उनके वर्कर्स जो जितने भी जो बिल्डिंग के जितने भी शीशे रूम्स है वो सारे शीशे के हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसी हार्ड मटेरियल का नहीं है, सारे बैरल्स उसमें वो नजर आ रहा है कि बंदा क्या कर रहा है, फोर साइड से वो नजर आ रहा है कि बंदा क्या कर रहा है। आप ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे भी देखे होंगे, ऐसे भी कि हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, इवन डायरेक्टर के रूम में भी कैमरा लगा हुआ है, फिर वो बड़ा स्क्रीन जो है वो बाहर लोगों के लिए है, ताकि सब लोग एक दूसरे को देख सके कौन क्या कर रहा है। सही है, तो इजिली एक ये फिजिकल इन्वायरमेंट होता है ताकि आप कंट्रोल रख सके, ताकि आपका जो चैनल ऑफ मैसेज है वो एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रहा है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर एलिमेंट्स, ऑनर से हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, एम्प्लॉय से है और उसका फिजिकल वर्क से है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ अभी हमने तो एक बार पढ़ लिया क्या वो इंटरनल एनवायरनमेंट में ये चीजें हैं। सही, अभी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट किस तरह अफेक्ट कर रहा है। सही है, एनवायरमेंट को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। एक क्या है हमारे पास, चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल चेंज ऑफर इन टू वेज। आपके बिजनेस पर असरअंदाज हो सकता है दो तरीकों से। कितने तरीकों से? दो तरीके से। नंबर वन, degree to which
chain involvement is occurred or degree to of homogeneity complexity of the involvement. एक वो जब आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या हो, चेंज वाला हो, चेंज किस तरह, जाहिर बात है इन्वॉल्वमेंट में जिस तरह चेंजेस आते हैं अपने आप को भी चेंज करना होता है. आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जाहिर बात है अपना जो सिस्टम है उसको चेंज करना होता है ताकि वो अपॉर्चुनिटी आप उसे ग्रैब करें. अपना तरीकेकार आपने चेंज करना होता है ताकि वो अपॉर्चुनिटी आप उसको ग्रैब कर ले, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर ले, जो चांस है वो ग्रैब कर ले. अगर मार्केट चेंज हो रहा है और आप अपने आप को रिजिड रखे हुए हैं, चेंज ही नहीं कर पा रहे, आप कहते नहीं आई कैन नॉट चेंज मायसेल्फ, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, यू आर लॉस्ट. व्हाटएवर यू वांट चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू मार्केट, अगेन सेम थिंग विल हैपन, दैट यू विल नॉट सर्वाइव इन टू जो मुश्किल होगा सिमिलरिटीज में ज्यादा है, जब चीजें सिमिलर हो तो वहां पर चेंज करना भी मुश्किल है. इसलिए इफेक्ट आ रहा है जब सब सिमिलर हो, सिमिलरिटी हो, वहां पर होमोजेनिटी प्रोडक्ट्स हो, सर्विस होमोजेनियस प्रोडक्ट होमोजेनियस सर्विसेज हो, देन यू विल फेस अ कॉम्प्लेक्सिटी. वहां पर आपको किस चीज का शिकार होगा, कॉम्प्लेक्सिटी का. आप कंफ्यूज होगी, मैं अपने आपको किस तरह चेंज करूं, क्योंकि हर चीज में सिमिलरिटी है, दूसरे को देखो वही चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. आप अपने कंपेरिजन को देख सकते हो, वहां पर वही सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेम चीजें सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर यू. एक जगह पर आसान है अपने आप को चेंज करना, दूसरी जगह पर आपके लिए मुश्किल है. सही, ये आपके लिए होगा. जब मुश्किल कब होगा, जब होमोजेनिटी होगा. होमोजेनिटी मतलब क्या है, जो सिमिलर थिंग्स होते हैं, सिमिलरिटी होते हैं, वहां पर न्यू प्रोडक्ट को लाना, न्यू अपने आप को चेंज करना, न्यू चीजें लेकर आना, देन लेवल आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी होता है. इसलिए ये प्रॉब्लम है, आपका अफेक्ट होगा एक जो है चेंज से, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी से. जब आप समझते नहीं है यार मैं क्या करूं, क्योंकि हर चीज सिमिलर है, कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, उलझन उसमें है. आप सोच समझते, आप ऐसे होते हैं कि यार अभी इसको मैं किस तरह चेंज करूंगा. आपको यहाँ पर सब कुछ सिमिलर है, मैं इंसान अपने आप मतलब एक इदारा इसलिए अपने आपको चेंज कर रहा है ताकि दूसरे उसे कॉपी ना कर सके. जब ऑलरेडी लोग जो है सिमिलरिटी उसमें है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए सब कुछ सिमिलर है, दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज. नेक्स्ट क्या है, इसी का है अनसर्टेनिटी, ड्राइविंग फोर्स फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ रैशनल डिसीजंस. अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो क्या होगा, हाँ, ड्राइविंग फोर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ रैशनल डिसीजंस. जब इन्वायरमेंट में अनसर्टेन हो, अनसर्टेन का मतलब क्या है यार, आपको पता नहीं चले यार मैं क्या करूं, तो यहां पर अफेक्ट होगा, असरअंदाज होगा. क्या प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को आप टैकल नहीं कर सकते, आप समझते नहीं है यार इसको मैं किस तरह समझूं, ये प्रॉब्लम हो गई. अनसर्टेन है ना, सर्टेन नहीं है. जब सर्टेन हो तो आप इजीली आप जाकर उससे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. देखो प्रॉब्लम जब सर्टेन होता है, सर्टेन मतलब क्या है कि आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है. जब अनसर्टेन हो मतलब क्या है, मतलब आपको पता नहीं किसका सोल्यूशन क्या है. क्लियर है, अनसर्टेनिटी तब होता है जब व्हेन यू डोंट नो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सर्टेन मींस व्हेन यू अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम, अनसर्टेन व्हेन यू अनअवेयर ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू कैन नॉट हैंडल दैट एंड यू हैव लो कैपेबिलिटी टू टैकल दैट प्रॉब्लम. अब इतना कैपेबिलिटी नहीं होता ताकि आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सके. क्लियर है, मसला तो नहीं है. कंपैरेटिव फोर्स जो आपका असरअंदाज हो सकता है, अफेक्ट आता है ना, हाउ अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीजों की वजह से आपके इदारे पे अफेक्ट आता है. इन चीजों के बारे में पहले से अवेयर होना, फिर तब जाके तुम इसको प्रॉब्लम को पकड़ सकते हो या अपने आप को टैकल कर सकते हो. क्या है कंपैरेटिव फोर्स. अच्छा, पोर्टर्स डे
जो ये बंदा क्या था, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो हम उसे कहते हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चरर प्रोफेसर है, डॉक्टर पोर्टर है। उसने फाइव पोर्टर को मतलब कंपेरेटिव फोर्स को इसने ये कहा कि इसका असरअंदाज असर है, ये अफेक्ट कर सकता है इदारे को। किस तरह उसने क्या कहा, पहला क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इनटू द मार्केट, कंपेरेटिव रिवलरी अमंग द प्रेजेंट कंपटीशन कंपेटिटर्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, पावर ऑफ बायर्स एंड पावर ऑफ सप्लायर्स। ये फाइव पोर्टर ने कहा कि इन चीजों की वजह से आपका इदारा अफेक्ट होता है। पहला क्या, मार्केट इतना फ्लेक्सिबल है कि हर कोई एंटर हो सकता है। पहला थ्रेट ऑफ व्हाट, न्यू एंट्रेंस। आपने देखो, मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, जब जगह पर फ्री ट्रेड हो, वहां पर फ्री ट्रेड हो, वहां पर टैक्सेस उसमें ना हो, ट्रेड पे टैक्सेस नहीं है, सही है। मिसाल के तौर पर नेफ्टा हो गया, सही, जो यूनाइटेड स्टेट का जितनी भी कंट्रीज उसके साथ लगे हुए है ना, एशियन के लिए जितने भी कंट्रीज एक दूसरे से लगे हैं, ये सारे फ्री ट्रेड है, तो उनके लिए आसानी होता है क्या कि एक दूसरे मुल्क में चला जाना। जब वो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो फ्री एंट्री है, फ्री इजीली क्या होता है, वहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो मुश्किल का सामना होता है। तो उसने क्या कहा कि इदारे पर असरअंदाज होता है जब नए कंपनीज एंटर होते हैं, जब वहां पर इजीली एंटर हो, इजीली आउट हो, सही है। मसलन आपने इजी एंटर हुआ, इजी आउट हुआ, जब चाहा बिजनेस स्टार्ट किया, जब चाहा बिजनेस बंद किया, अब कोई कहने वाला नहीं है। तब जाके ऐसी चीजों के लिए किसके लिए खतरा है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खतरा है सरवाइव करने के लिए। क्या होगा, पोर्टर्स ने क्या कहा कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट, जब नए लोग आते हैं, एंटर होते हैं मार्केट में, दैट विल बी अ डेंजर, या दैट विल बी इफेक्ट ऑन द प्रिजन, ऑन द मार्केट, ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, सही है ना। नेक्स्ट उसने क्या कहा, कंपैरेटिव राइवलरी अमंग द प्रिजन कंपटीटर्स। असरअंदाज किस तरह होता है, जब दो कंपनी आपस में क्या हो, कंपटीटर्स हो, तो एक दूसरे की जब प्राइसेस क्या है, मतलब आजकल जो जंग होता है ना, वो प्राइस का जंग है, है या नहीं है। आजकल टुडे द वॉर इज समहाउ लाइक प्राइसिंग वॉर। हर बंदा, अगर हम देखें जितने भी कंपनी आजकल देखो, जो चीजों के साथ हम अमूमन यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल के साथ, कलेक्शन के साथ हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दो महीने पहले जो हम नेट यूज कर रहे थे किस तरह था, अब दो महीने बाद जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह है, सही है। तो किस मतलब आपको चेंज नजर आया, कंपेटिटर्स है, एक ₹200 पे क्या देता है, 10 GB देता है, और एक दूसरा जो है ₹200 पे, ₹160 पे 4 GB दे रहा है। Which one would you like to prefer? ₹200 पे कितना अमाउंट पे कितना डिफरेंट नहीं है, लेकिन you would like to prefer that? Which one? जो 200 मतलब 200 पे 10 दे दे, 200 पे 10 GB देता है, सही? Did not call the names. Names or Zong or Taylor हो गया, वारिद हो गया, वो जो भी है, सही? लेकिन कंपैरेटिव तो है ना, किसके लिए फायदा है, कस्टमर्स के लिए। लेकिन अभी मतलब वार तो इनमें इन दोनों में है, असर कौन होगा, एक इदारा दूसरे इदारा, क्योंकि इसके इनके एम्प्लॉइज चले जाते हैं, मतलब इसके जो कस्टमर है चले जाते हैं, किसको, ज़ोम वाले को, क्योंकि वो ज्यादा ऑफर दे रहा है, ये कम दे रहा है, सही। एक अगर ये दे रहा है 10 मतलब 104 GB दे रहा है, उसमें टॉक टाइम भी फ्री दे रहा है, फिर वापस लोग आएंगे, यार बस टॉक टाइम फ्री है, जो लोग टॉक टाइम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, दे गो फॉर टॉक टाइम, दोस पीपल हु प्रेफर अ लॉट टू द इंटरनेट और जीबीस, दे गो फॉर दैट। तो ये क्या है, कौन असरअंदाज हुआ, कंपनी, दे आर डियरस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद व्हाट, विद कंपेटिटिव राइवलरी। लेकिन फायदा कस्टमर को है, याद रखिए जितना कंपेटिटर ज्यादा होगा उतना ही आप लोगों को फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, फायदा होगा। आप
सो इसमें वो चीजें हैं। तो बताने की बात क्या है कि कंपेरिज जितने ज्यादा होते हैं उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। सही है, इतना ही सोच दो। अब शुक्र दुआ कर ले बाजार में जितना कंपेरिज ज्यादा हो, अगर एक दुकान के पास एक माल हो दूसरा दुकान के पास ना हो तो फिर आप वही माल खरीदेंगे जो रेट वही बंदा गया। तो अगर आप बाजार में वही कपड़ा 10 दुकानों के पास हो तो आप एक बंदा तो ऐसा होगा जो कम मुनाफे के ऊपर आपको सारा कपड़ा दे देगा। क्लियर है? तो उसने क्या कहा, अच्छा थर्ड क्या है, थ्रेटन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को थ्रेटन होता है तब आपकी बात मतलब क्या होगा, असरदार होता है इदारा में। मिसाल के तौर पर किस तरह आजकल हर बंदा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैं कैमरे की डीएसएलआर के बजाय मोबाइल यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। हाँ? Yes, आजकल आप लोग सीडी, अभी पहले क्या आता था वो सीडी वाले, सीडी प्लेयर आता था, अभी क्या है डीवीडी प्लेयर है या बीडी प्लेयर है या आईपॉड है। सही है, वीसीआर टेलीविजन सबको रिप्लेस किया किसने, मोबाइल ने। सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, लोग अभी उसको यूज कर रहे हैं। जो लोग डीवीडी बना रहे थे, वीसीआर बना रहे थे, अब वो लोग को ये बनाएंगे नहीं, मुझे याद है मैंने एक दफा फ्लॉपी डिस्क यूज किया था, जिस तरह नहीं था पिक्चर्स, मैंने एक दोस्त को दिया, उसने कहा मुझे फ्लॉपी डिस्क लेकर आओ, वो भी 22 MB का था, वो ज्यादा नहीं आता था, 22 MB तक वो फ्लॉपी डिस्क था, दो तीन पिक्चर आता था। तो वो फ्लॉपी डिस्क मैंने दिया उसने मुझे, फ्लॉपी डिस्क में वापस मुझे दिया, क्योंकि पहले क्या होता था मतलब सिस्टम के साथ फ्लॉपी डिस्क भी उसके साथ अटैच हो सके, अभी भी है पुराने उसमें देख लो, डेल की कंपैक्ट में, डेल में देखो वो है। तो क्या हुआ कि जब थ्रेटन होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का तो तब क्या होता है वो अफेक्ट आता है। सही, अफेक्ट होता है किस पर, अगर यहां पे सप्लायर ज्यादा है, बायर्स, चलो मैं बायर हूं, सप्लायर ज्यादा है, मैं अपनी पसंद के सप्लायर से माल लूंगा जो मुझे लो कॉस्ट पे दे देगा, दैट विल अफेक्ट ऑल अदर सप्लायर्स। ओ सप्लायर्स के ऊपर वो असरदार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स आई विल गो फॉर माय फेवरेट वन, दोस हु प्रोवाइड मी विद अ लो कॉस्ट। यस यस सर, लो कॉस्ट दैट विल बी माय फेवरेट वन, बिकॉज मैं अपने प्रोडक्शन को देखूंगा, अपने आप को देखूंगा कि जो लोग मुझे लो कॉस्ट में देंगे दैट विल बी बेनिफिट फॉर मी। बेनिफिट होगा या नहीं होगा, होगा ना, जाहिर बात होगा। तो ये आएगा जब सप्लायर ज्यादा हो तो पावर, तो पावर किसके हाथ में होगा, बायर के हाथ में, जो जहां भी चले जाए। नेक्स्ट क्या है, सप्लायर पावर्स। जब सप्लायर्स कम हो, सप्लायर्स कम हो और बायर्स ज्यादा हो, तो सप्लायर्स बैठ कर क्या करेगा, नोट करेगा, वहां से ये ट्रिब्यूल का कॉन्सेप्ट आया।
यार इसने अब इसे क्या करना होगा, अवेयरनेस होगा होना चाहिए। अच्छा ऐसा था कि एक कंपनी था इमारात का, कौन सा कंपनी था, उसने क्या किया, वो उसका जो फ्लाइट था वो हुआ था मतलब खराब हुआ था, वो लैंडिंग के लिए कहा गया, उसने लैंड किया कहा ऊपर सी पे, सी पे लैंड किया, लेकिन जो सी से करीब जितने भी वो थे ना बूट्स थे वो रिस्क वाले बूट थे, उसको पता था कि कभी भी यहां पे कुछ हो सकता है, मतलब उसको ये 9/11 की बात है, उन लोगों ने फिर अवेयरनेस दिखाया कि सिक्योरिटी का कुछ भी हो सकता है, लोगों ने क्या किया बिल्डिंग को फ्लेक्सिबल बनाया, जिलजिला आया क्या होगा, क्योंकि जब आया था सुनामी आया था फ्लड आया था वो जापान को और बड़ा फ्लड आया था, तो उन्होंने सारा उससे अभी उस जब आया उनको अवेयरनेस मिला, अब इससे वो क्या जब फ्लड आया उनके बाद अवेयरनेस मिला, तो अब से इन चीजों के बाद वो अभी क्या करते पहले करते क्या, जब वो जहाज लैंड किया तो क्या हुआ डायरेक्टली जितने भी बूट्स थे रेस्क्यू बूट्स थे वो चले गए ताकि उन लोगों को बचा सके, अगर ऐसा ना होता उनको पता नहीं होता, मतलब ऐसा ओकेजनली कोई सिचुएशन ना आता पहले से तो इन लोगों को ये अवेयरनेस का सिग्नल नहीं होता, तो ऐसे जब अनएक्सपेक्टेड चेंज और डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, इक्वली से मतलब क्या है जो अनएक्सपेक्टेड आप पता नहीं है क्या एकदम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज एनवायरनमेंट में चेंज आता है एकदम आता है, लेकिन यू हैव टू बी, लेकिन वहां से फिर क्या करोगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, लेकिन आपने पीछे से सीखना होगा, यू हैव टू लर्न फॉर दैट, जिस तरह 9/11 से लोगों ने सीखा कि वी नीड सिक्योरिटी, वी नीड सिक्योरिटी, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, तो ये कंसेप्ट वहां से आया, क्लियर ट्यूबुलेंस का। सर जी 9/11 को क्या हुआ था सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला नहीं हुआ था, तू जाकर इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च कर ले कि 9/11 पे क्या हुआ, दैट्स योर असाइनमेंट सर जी, बुक के फर्स्ट पेज देख ले उसके लिए। अच्छा एनवायरमेंटल चेंज देखो, ये ग्राफ को देखो, एनवायरमेंटल चेंज कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, लिसन जहां डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हो और डिग्री ऑफ चेंज हो वहां पर लिस्ट अनसर्टेनिटी और मॉडरेट क्या होगा अनसर्टेनिटी है, जो ये कॉम्प्लेक्स लिस्ट अनसर्टेनिटी मॉडरेट अनसर्टेनिटी जहां पर ये डिग्री ऑफ चेंज हो देन वी विल गो फॉर मॉडरेट अनसर्टेनिटी है मोस्ट क्लियर है, कोई बात है, जब ज्यादा ह्यूमिजिनिटी हो सर्टेनिटी क्या होगा लेस होता है मतलब मोस्ट होता है, मोस्ट अनसर्टेनिटी होता है आप उसे क्या नहीं कर सकते आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या करना चाहिए, जब जब डिग्री ऑफ चेंज उसमें आ जाए तो दैट विल बी लेस अनसर्टेन, सही है। अच्छा जो पोलर्स के हमने किसका इस ग्राफ पे से तो मैं नहीं आया वो देखो किसने कहा है देखो लेस एंड मॉडरेट है, लेस एंड मॉडरेट है सही, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, स्टेबल डायनामिक, जितना आपका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ज्यादा हो क्या होगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, जितना कम हो कॉम्प्लेक्स, तो ये जितना मार्केट जो है वो क्या हो चेंज हो उतना ही क्या होगा डायनामिक होगा, जितना ये होमोजेनिटी उतना ही वो स्टेबल होगा, अगर मार्केट में सब प्रोडक्ट है वो स्टेबल ही है ना, सिमिलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वो स्टेबल है, अगर जितना भी चेंज हो देयर विल बी डायनामिक, तो जब डायनामिक हो जब सिंपल हो जब डायनामिक हो देयर विल बी इजी फॉर यू, लेस अनसर्टेनिटी होता है, जब डायनामिक ना हो स्टेबल हो तब आपको वहां पे क्या होगा मॉडरेट अनसर्टेनिटी होता है, क्लियर है।
क्लियर है। इससे पहले हमने पोर्टर्स की फाइव जो पॉइंट्स एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन हुआ है। थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रीज का क्या मतलब है? एक्सटेंड टू इजी विद द व्हिच कंपैरेटर्स एंटर टू मार्केट, एक्सटेंड टू एंड इजी विद व्हिच कंपैरेटर्स कैन एंटर इन द मार्केट। कंपैरेटिव राइवलरी का क्या है? कंपैरेटिव राइवलरी बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्सटेंड टू व्हिच अल्टरनेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मे रिप्लेस नीड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। जो हमें जरूरत है उसको कौन सी प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहा है, मतलब पहले हम विसार वीडियो विसार वो यूज कर रहे थे, विसार और टीवी, विसार एंड टीवी ये यूज कर, आजकल वी यूज जस्ट मोबाइल एज अ सब्स्टिट्यूट। सही है, वो लोग उस पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ज्यादातर हमें मोबाइल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो आपको जो सर्विसेज को है, या जो अभी पहले क्या होता था, मतलब अभी भी है, लोग कम में जो लोग अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को प्रेफर कर ले, ऑनलाइन लेक्चर दे ले, ऑनलाइन सब मतलब वो क्लासेस फॉरम में ऐसे भी होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। आपको कहते हैं क्लास मत आओ, घर में बैठकर सब कुछ सीख लो। तो क्या है नेक्स्ट? पावर ऑफ बायर, एक्सटेंड टू व्हिच बायर इन्फ्लुएंस मार्केट राइवल्स। Power of supplier, extent to which supplier has influenced market rivals. Clear? Yes. How organizations adopt their environment? अच्छा, organizations किस तरह adopt करते हैं अपने आप को उनके साथ, organization के साथ अपने आप को चलाते हैं किस तरह? First, information in management organization. देखो, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एनवायरमेंट के साथ चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आएगा तो वो लोग अवेयर होंगे, जब इंफॉर्मेशन उनको नहीं आएगा वो लोग अवेयर नहीं होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंफॉर्मेशन। नंबर वन, दैट इज अ बाउंड्री, बाउंड्री स्पैनर्स। अच्छा, बाउंड्री स्पैनर्स कौन होते हैं? बॉन्ड स्पिनर्स वो लोग होते हैं जो इदारे के बाहर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कौन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स एजेंट है। क्योंकि इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम कहां पे होता है? एनवायरमेंट में होता है। वो लोग आसानी से इनको इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर मैनेजर्स क्या करते हैं? उस सारे इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। सही है, क्या करते हैं? Environmental scanning, they are scanning for, they will for scanning. Managers, they scan the information. किस तरह? Scanning के लिए उनके पास, मतलब वो scan करते हैं और उनको उन लोग information system को, information को gather करने के लिए इनके पास information system होता है, computerized based information system होता है। ये लोग वो चीजों को install कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल आप store पे चले जाए, वहां पर सारे चीजें आपका record होता है। Yes, sir. वहां उन लोगों को पता होता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। लेकिन इजिली असेस, अगर कोई बंदा कोई इंडस्ट्री से आता है, यहाँ पे स्टोर में चला जाता है कि यार हमारे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, तो वो डायरेक्टली अपने लिस्ट को निकाल देते हैं, वो अपने सारी चीजों को निकाल देते हैं, वो देखते हैं यार कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कौन सी उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है तो लोग उसी को ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं। तो वो इजिली इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर पास उनके पास ऐसा कोई सिस्टम ना होगा तो उसको क्या पता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर कोई कंपनी के साथ आपका लिंक है, वो कंपनी को आप इजीली कह सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि हमारे आपका जो डेली बेस, आपका जो दुकान का जो जितना भी वो होता है सेल्स होता है, तो आपको पता लगता है कि मेरा सेल्स कितने किस कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा है। डेफिनेटली आप जब खत्म होते हैं हफ्ते के बाद, आप जाकर वही प्रोडक्ट दोबारा लेकर आते हो, तो आपको एक आप उसे एक सिग्नल भी देते हो इंडस्ट्री वाले का कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बना, इसमें ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल आउट हो रहा है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके थ्रू पर आपने ज्यादा पता लगा कि यार इसके थ्रू पर मतलब आपको पता लग गया कि हाउ मच यू नो हाउ मच डिमांड इज इन द मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस। अच्छा, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस Maintaining the status quo, altering the current strategy.
स्ट्रेटेजी एंड अडॉप्टिंग द न्यू स्ट्रेटेजी। देखो स्टेटस को क्या होता है, स्टेटस को होता है वो कि यार के यार हमने बस, आप लोगों ने देखा देखा होगा कि यार बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपने आप को चेंज नहीं करते, कहते हमने जो कहा वही सही है, अपने इदारे को सिस्टम को चेंज नहीं करते। हालांकि मार्केट में चेंज आ रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड को चेंज हो रहा है, तो अपने आप को चेंज नहीं करते। जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते दैट्स कॉल्ड स्टेटस को, व्हाट्स कॉल्ड स्टेटस को। जो लोग नहीं चाहते कि यार ये चीज चेंज आया है इनके इदारों में, दैट्स कॉल्ड स्टेटस को। मिसाल के तौर पर आजकल गवर्नमेंट के इदारों में यही होता है, जो मैनुअल चीजें होते हैं, मैनुअल लोग जो ओल्ड वाले होते हैं ना, जो उनके टाइम बहुत टाइम गुजारा हुआ है, वो लोग मैनुअल पे आदि है, कंप्यूटराइज पे आदि नहीं है। जब उनको कहो यार कंप्यूटराइज की तरफ आ जाओ, कंप्यूटराइज एंट्री कर करते नहीं करते, ये सिस्टम के खिलाफ होते हैं, कंप्यूटराइज एंट्री इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो कंप्यूटराइज सिस्टम क्योंकि उनको आता नहीं हो, कहते ये सिस्टम सही है, उनको पता है अगर कंप्यूटराइज सिस्टम आया दैट एम्प्लॉइज विल बी रिप्लेस्ड, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए कंप्यूटराइज लोगों को ला रहा हूं, वो लोग कंप्यूटर पे आता है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को वाले लोग क्या होते हैं कि उसको चेंज नहीं करना, मतलब छोड़ते नहीं है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके हमेशा उसको क्या होते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेटस को। क्या होता है इसे, दोस पीपल और स्टेटस को। तो पहले आपने स्टेटस को से मेंटेनिंग स्टेटस को सिस्टम, अभी आपका अगर मेंटेन अगर आप स्टेटस को सिस्टम है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, पहले आपने क्या करना होगा, करंट असेस द करंट एनवायरनमेंट। अगर आप चेंज आया है और आपने अपने आप को चेंज करना है, पहले उसको असेस करो, उस प्रॉब्लम उस चेंज को अल्टर द करंट स्ट्रेटजी, उसको अल्टर करो, फिर जाके उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करो। दैट शुड बी द नेक्स्ट वे ऑफ चेंजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। First, from status quo, if you want to change, assess that situation, assess कर लो, अपने आप को भी assess कर लो, environment को भी assess कर लो, और देख लो कि कहाँ change आना चाहिए। Clear है? Yes, yes. Next अब क्या है? अभी environment को change करने के लिए, क्योंकि पहले आपने information gather करना होगा ताकि assess कर लो, फिर जाके आप एक act लो for making change. Next हमारे पास क्या है? नेक्स्ट दैट इज मर्जर्स एक्विजिशन एंड अलायंसेस। हम एनवायरमेंट पे चेंज अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, बाय व्हाट, बाय मर्जर्स एक्विजिशन एंड अलायंसेस। अच्छा मर्जर्स क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में जो अपनी ही शेयरिंग करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, अपने सारे इदारे को शेयर करते हैं, दैट इज मर्जर्स। ये क्या होता है, दोनों शेयर करके एक नया कंपनी बना देते हैं, शेयर करके एक नया कंपनी बनाते हैं, दैट इज मर्जर्स। मर्जर्स एक कंपनी में मिल गया, दूसरा भी इकट्ठे होकर दोनों ने एक नया कंपनी बनाया, दोनों ने शेयर मिलकर एक नया कंपनी। अभी दोनों चाहेंगे क्या कि ये कंपनी क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, खराब ना हो जाए। अगर ऐसा है तो मेरा प्रोडक्ट अलग है, इसका अलग है, सही है। मिसाल के तौर पर बाटा सर्विस ने एक मर्जर किया, मर्जर किया, क्या बनाया, चीता वाला बनाया, मिसाल के तौर पर चीता वाला बनाया, चीता बनाया, चीता बाटा और सर्विस का दोनों एक मर्जर है। अभी दोनों चाहेंगे क्या, दोनों का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा टुवर्ड चीता, पॉजिटिव होगा। दोनों चाहेंगे क्या कि ये कंपनी कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर ये नाकाम होगा दोनों का लॉस होगा, सही है, दोनों का लॉस होगा। ऐसे एनवायरमेंट को नया एनवायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए आपने मर्जर करना होगा ताकि आप खुद इस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है, परचेज। आपने परचेज करना होता है, सही है, आपने परचेज करना होता है। आपने अगर आपने उस मार्केट में सर्वाइव कर या उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना होगा तो आपने किसी और की शेयर्स को परचेज करना होगा। जेस उन्होंने किसको परचेज किया, हमारे के सारे शेयर्स को परचेज किया, वे परचेज करके खुद उस पे उसकी कंट्रोलिंग मैनेजिंग सारा किसके पास है, जेस के पास, सही। नेक्स्ट क्या है, अलायंसेस। अलायंसेस विद अनदर फर्म, आपने अलायंसेस बनाना होता है,
एनालिसिस किया, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आप कई कई जगहों पे आपने कुछ कंपनियों ने अलायंसेस बनाए हुए हैं। मैकडोनल्ड्स वालों ने किसके साथ अलायंस बनाया था? मैकडोनल्ड्स वो मैकडोनल्ड्स वालों ने पेप्सी कोको डिज्नी के साथ डिज्नी के साथ क्या किया था? अलायंस बनाया था कि ये उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। ऐसे ही आप अलायंसेस बनाएंगे। आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि अलायंसेस है, अलायंसेस है कि यार पेप्सी वालों का ज्यादातर बर्गरों के साथ अलायंसेस है, वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। एक बोतल खिलाऊंगा या एक प्लेट बिरयानी तुम पे खिलाऊंगा, कहता है अगर हमारे बैंक में क्या था इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आप अकाउंट बनाए तो लोग ऑन द स्पॉट ही मेड अलायंस विद द 10% जी। मैंने उसको बोला था कि मैं आपके पास कस्टमर भेजूंगा आप मेरे। अच्छा ये हमें जो नहीं पढ़ना चाहता है वो चले जाए। सर जी आपके दो क्लास दे दो टाइम तो और दूसरी क्लास। अच्छा नेक्स्ट हमारे लास्ट लास्ट वो है हाउ ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पोंड टू गिवन एनवायरनमेंट, दैट्स कंटिन्यूस लिंक विद प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। Mechanistic firm operate the best stable environment. Organic firm are best suited with dynamic environment. दो की तरह होता है, एक होता है mechanistic, दूसरा होता है organic. Organic mechanistic वो होते हैं जो अपने आप को stable लगते हैं, change नहीं लेकर अपने इदारे की design की उसकी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, दैट इज मैकेनिस्टिक। दूसरा वो होता है ऑर्गेनिक वाले के दे आर सूरिड एंड दे हैव डायनामिक, और दैट डायनामिक एनवायरनमेंट वो अपनी डिजाइन को दे ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड दे आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल। ये लोग होते हैं फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्या है इसमें? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? अटेम्प्टिंग टू चेंज द नेचर ऑफ कंपैरेटिव कंडीशन इट्स एनवायरनमेंट टू सूट इट नीड्स, परस्यूइंग न्यू चेंज रिलेशनशिप विद द सप्लायर कस्टमर्स एंड रेगुलेटर्स। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ये लोग जो होता है जो कस्टमर्स है सप्लायर्स है रेगुलेटर्स है दे आर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर इन लोगों के टेस्ट में अगर इन लोगों के डिसीजन में चेंज आया तो डेफिनेटली दे अफेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। सो एनवायरनमेंट जब चेंज आया तो इदारा में भी चेंज आएगा। क्लियर है? अच्छा इस डायग्राम को देख लो, ये स्टडी ना ये आपको नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ये है नेक्स्ट आगे आगे चैप्टर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको सिर्फ इसका मॉडल का जिक्र है। सही, आप इस मॉडल को देखो क्या एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल क्या होगा। पहला क्या है? एक्वायरिंग द रिसोर्सेज नीड फॉर द एनवायरनमेंट, जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से उसके जरूरत है वो एक्वायर कर ले। दूसरा क्या है? एंड कंबाइन देम एफिशिएंटली, जिस तरह हमने कहा दो कर दिया, हां जिस तरह हमने कहा कि यार कंबाइन द एफिशिएंट। देखो मैनेजर का क्या होता है? मैनेजर बिकम मैनेजर
जो आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करो। आपने जो एक्वायर जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में आप उसे यूज करेंगे तो क्या होगा, फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये जब यूज करेंगे क्या होगा, ये यूज आप क्यों करेंगे, ताकि आपके इदारे को गोल को फैसिलिटेशन मिले अचीविंग में। सही है, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं, मेकिंग व्हाट फॉर मेक द पीपल टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जाहिर बात है एंड सैटिस्फाई द स्टडी कंस्टिट्यूट एंड द एनवायरमेंट। तो जब सैटिस्फाई होगा आप डिसीजन लेंगे, फैसिलिटेट होगा, तब जाके आप क्या होगा इदारे में एनवायरमेंट में आप स्टेबल होंगे, आपका जो मतलब आज कंसिस्टेंटली भी चेंज आप में चेंज भी आएगा। मेकिंग द इजियर टू एक्वायर फ्यूचर रिसोर्सेज, और ये आपके लिए इजी होगा जब आप कंसिस्टेंटली चेंजेस आप एक इदारे में लेकर आ रहे हैं, आप एनवायरमेंट के साथ में आपको चेंज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में चेंज लेकर आ रहे हो और अपने आपको उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर में जब जो चेंजेस आए तो आपके लिए इजी होगा या मुश्किल होगा जब नया चेंज आए, नए रिसोर्सेज आए, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू एक्वायर न्यू रिसोर्सेज व्हेन दे कम टू द मार्केट। क्लियर है? यस सर। यहां पर क्या है इन द मैटर, यहां पर आप कितना, अगर देखो सिंपल सी बात है, आप में कितना इफेक्ट है, आपके पास इनपुट है सही एंड आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए टू आउटपुट यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कितना एफिशिएंटली आप जितना एफिशिएंट होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फीडबैक उतना ही पॉजिटिव आएगा, आउटपुट अच्छा होगा फीडबैक भी अच्छा आएगा। क्लियर है? यू हैव पॉजिटिव आउटपुट यू विल गेट पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन मसला क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके पास रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, जितने भी है, आपने रॉ मटेरियल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, लेबर रिसोर्सेज को, जितना है ना आपके पास रिसोर्स है, आपने जिसको कितनी एफिशिएंटली यूज किया ताकि कन्वर्ट हो जाए आउटपुट में। सही? यस सर। जब आपका आउटपुट, देखो जब आपकी इंप्लॉइज ज्यादा एफर्ट करेंगे आउटपुट ज्यादा आएगा, कब ज्यादा आएगा, तो आप मार्केट को एनवायरमेंट को ज्यादा सर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे ना। यस सर। तो जब वहां पे वहां से जब आप एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करेंगे वहां से फीडबैक क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ब्रिंग अटेंडेंस। देयर इज नो सिक्स। ये समझ आया? अच्छा चलो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल क्लास के टाइम भी शुरू हो रहे हैं, यू हैव सेवन पांच पांच आठ मिनट तक पूछ के भी दो बस पांच मिनट के भी गुजरे हैं।